कुरानपुर देहात में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फैज ए आम महाविद्यालय के छात्रों ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली निकालकर लोगों को यातायात नियमों के विषय पर जागरूक किया। जागरूकता रैली कॉलेज से होते हुए विभिन्न ग्रामीण अंचलों के गाँव पहुंचकर लोगों को यातायात नियमों पर जागरूक करते हुए हेलमेट लगाने की जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता रैली के दौरान असालतगंज चौकी प्रभारी धर्मेंद्र मलिक पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य? जीवन रक्षा जो मौलाना अबुल कलाम आजाद फैजिया महाविद्यालय में NSS प्रणाली चलती है, उसके अंतर्गत हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, और गांव में जाके लोगों को बताया है और सड़क पर भी लोगों को बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट पहने, क्योंकि सड़क दुर्घटना में हर 4 घंटे में एक मृत्यु हो जाती है। आंकड़ों के हिसाब से 4 मिनट या 4 घंटे में एक मृत्यु हो जाती है, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी भारी नुकसान पहुंचता है, परिवार अकेले हो जाते हैं। इसलिए हम छात्र द्वारा, छात्राओं द्वारा महाविद्यालय की जो NSS कार्यक्रम के तहत आता है, उनसे हम लोग जागरूक अभियान करवा रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, और इसी प्रकार हम लोग बारी बारी से लोगों को रोक कर समझा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हेलमेट पहने। जो लोग हेलमेट पहने हुए, सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, उनको हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं, फूल भेंट कर रहे हैं, और जो लोग नहीं लगाए उनको रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि आप हेलमेट लगाएं और अपनी जीवन की रक्षा करें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।